हेलो एवरीवन, देखिए आज आगे बात करते हैं। a^4 + a^2 + 1, अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके फैक्टर होंगे हमारे पास, देखो क्या होंगे इसके फैक्टर। इसके फैक्टर होंगे हमारे पास a^2 + a + 1 और a^2 + a - 1 माइनस a^2 - a - a + 1। देखो कैसे होंगे इसके फैक्टर। तो सिंपल सी चीज है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसका छोटा सा प्रूफ बता देता हूँ। देखो क्या होता है इसका प्रूफ, है ना। तो इसका प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो। तो प्रूफ इसका देखो, एक काम करते हैं, a^4 + इसे मैं, है ना, a^4 + 2a² + 1 - a² लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें हम जो है, ये जो क्वांटिटी, ये वाली, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इससे मैं लिख देता हूँ a² + 1² - a² और एक बात तो आप जानते ही हो क्या, कि a² - b² क्या होता है, ये होता है हमारे पास a + b और a - b, राइट, a + b a - b। तो इसके लिए क्या करें, a² + 1 + a और a² + 1 - a। तो बस इस माइनस ए को उठाकर इसने यहाँ रख दिया, तो मैं भी रख देता हूँ, यही थोड़ी ना रख सकता है। लो a² - a + 1 है ना, ये लो माइनस ए और ये लो, लो तिनका तिनका, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है ना, क्लियर। तो ये इस तरीके से होता है। उसके बाद में हम आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। देखो टर्म और उसका रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर जो होता है उसकी, उसका रेसिप्रोकल किस तरीके से पैदा करते हैं, है ना। देखो तो हमारे पास तो सिंपल सी बात है, तो कि x + 1/x² जो होगा ना, वो क्या होगा, पहले तो ये देखो, वो होगा x² + 1/x² + 2a × b, a² + b² + 2ab, a × b क्या होता है x × 1/x। लो ये तो कट गया, तो यहाँ लिए ओनली 2 ही तो बचा, तो ये क्या बचा हमारे पास, x² + 1/x² + 2 बराबर। अच्छा साहब अब क्या करें, अच्छा x - 1/x² निकालना हो तो क्या करें, तो वो हो जाएगा x² + 1/x² और माइनस का 2, क्योंकि इंटू एक्स इंटू 1/x करोगे तो वो तो फिर से यही बच गया, x² + 1/x² - 2। तो हमारे पास मेन जो तरीका, हमारे पास जो निकल कर आया, वो क्या निकल कर आया हमारे पास, हमारे पास निकल कर आया x प्लस, थोड़ा इसको स्टाइलिश वे में लिख देते हैं, देखो तो हमारे पास ये हो गया x + 1/x² - 2 = x² + 1/x² = x - 1/x² + 2। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक चीज देखो, ये जो क्वांटिटी है ना, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा x² + 1/x² + 2, वो प्लस टू और ये माइनस टू कैंसिल आउट, तो ये बचा। और इससे क्या मिलेगा मुझे, इससे, इस क्वांटिटी से मुझे मिलेगा x² + 1/x² - 2 और वो माइनस टू और ये प्लस टू कैंसिल आउट, यही बचेगा। तो ये है बड़े काम की चीज, ये है बड़े काम की चीज, ये वाली। अब इस पर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इस पर क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। अरे यार लो, कि हम यूज लेते हैं, ये लो हम ले लेते हैं x - 1/x की वैल्यू, अगर आपको 3 दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x = ? और x² + 1/x² को क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी चीज है, देखो इसमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर दो इसमें, क्या हो जाएगा x - 1/x² = 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + 1/x² -
सही है, इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2, क्या हो जाएगा 11। चलो जी आंसर आगे देखो, ये अब हमें दे रखी है, तो एक काम करेगा ये चीज एलयू ले ले क्या, ये देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, सही बात है ना, तो लो यूज में लो। देखो मैं एक काम करता हूं, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं कि है ना एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस 2 मिलेगा ना, लो माइनस 2 कर दिया, तो ये यही तो रूप दे रखा है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ही तो है ये, राइट। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 11, मैं लिख देता हूँ 11, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें साहब, अब इसमें मुझे जो चाहिए वो देखो इस नेगेटिव 2 को इक्वल की तरफ भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 2 होएगा नहीं होगा, अरे सही बात है ना, लो इसको तो इधर भेज दिया, अभी पॉजिटिव 2 कर देता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो ये पॉजिटिव 2 हो गया, सही है। और ये क्या हो गया 11 और 2, 13, 13 के ऊपर क्या क्या हो जाएगा रूट, और क्या आ जाएगा प्लस माइनस, कब जब यहां से वैल्यू निकालूंगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स की, सही है क्या बोलो, तो ये आ गया मेरा आंसर, ये क्या आ गया आंसर, बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, इसको रखना संभाल के, ठीक है। आगे देखो ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो अब हम बात करते हैं, अगर हमें इफ वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 5, बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कि वैल्यू 5 दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस, नहीं पहले माइनस करो, पता एक्स की पावर 4, लो चलो प्लस, अब माइनस वाला इसमें लिख लो तो कोई बात नहीं होगी, और है हमारे पास x³ प्लस 1 बाय x³, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो क्या है इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना विद ओवरऑल डेडिकेशन। चलो देखो इसमें क्या करना है, देखो फर्स्ट नंबर का है तो इसके लिए अगर देखो यही स्क्वायर बोथ साइड कर दो सबसे पहले, तो इसमें तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसको कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाए 23 बराबर, पहला आंसर आता हुआ बहुत ही शानदार पारी में गोल हो गया। चलो जी अब देखो इधर, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि एक्स माइनस 1 बाय सेकेंड नंबर का है ना, कि एक्स माइनस 1 बाय एक्स का जो होल स्क्वायर है अगर उसमें मैं 2 जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया ना, इससे मेरे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू तो मैं यहां से निकाल चुका 23, लो साहब 23, और एक ये जो है एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, अब ये जो प्लस 2 है ना इसे इक्वल की तरह ले जाओ, लो माइनस 2 हो गया, 23 में से 2 गए तो कितने बचे 21, और एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर क्या बचा है यहाँ से एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल की तरह ले जाओ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21, एक ये आंसर हमारा आता हुआ बहुत ही शानदार,
बात है क्या? चलो जी, अब देखो आगे, थर्ड नंबर का क्या पूछ रहा है हमसे, एक्स पावर 4 + 1/x पावर 4, वो तो हम तभी पता कर सकते हैं जब हमारे पास x² + 1/x² जीरो दे रखा हो, क्योंकि अगर अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे, समझ पा रहे हो हमें क्या करना है, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो करते हैं ट्राई, थर्ड नंबर का हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू हमें 23 दे रखी है, स्क्वायर बोथ साइड कर दो तो ये क्या हो गया, x² + 1/x² होल स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर आपको वैसे पता होना चाहिए 529 होता है, ठीक है, और ये क्या बचेगा, x² + 1/x² + 2 × x² × 1/x² तो बचेगा 2, तो हो जाएगा x² + 1/x² = 529, में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने बच गए, 527 x^4 + 1/x^4, तो ये हो गया 527, राइट। तो हमारे पास ये इस तरीके से हो गया आंसर। बराबर, चलो आगे देखो, अब और क्या पता करना है हमें, अब हमें पता करना है x^4 - 1/x^4, देखो क्या करना है, x^4 - 1/x^4 ये पता करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसको ऐसे लिख दे क्या, x² - 1/x² और x² + 1/x², x² मैंने a माइनस बी और a प्लस बी लगा दिया, a^4 - b^4 में, सही है। तो देखो अब इसको क्या लिखते हैं, x - 1/x और x + 1/x = क्या हो गया, वो सॉरी टाइम्स x² + 1/x² तो रखो, देखो सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं, अब एक्स माइनस, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, x² + 1/x² ये जो वैल्यू 23 दे रखी है ये लिख देते हैं, लो साहब इसकी वैल्यू आ गई क्या, 23, सही है। अच्छा अब x + 1/x की वैल्यू कहाँ है, तो देखो गौर करो, x + 1/x की वैल्यू 5 रही, तो रख दो यहाँ 5 टाइम्स 5 टाइम्स x - 1/x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट +/-√21, +/-√21, तो ये कितना हो गया, 115 हो गया क्या, तो ये हो गया 100 +/-115√21, ये हमारे पास आंसर हो गया, राइट। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्लियर।